पांच स्टेटा दे एग्जिट पोल च दिखी 2024 दी तस्वीर महा एग्जिट पोल मुताबिक मध्य प्रदेश ते राजस्थान च बीजेपी अगे छत्तीसगढ़ ते कांग्रेस दे आसार तेलंगाना च कांग्रेस नु बढ़त पंजाब इक हफ्ते लई वधाई झोने दी सरकारी खरीद हुण 7 दिसंबर तक बिकेगा झोना पंजाब सरकार दी अपील ते केंद्र ने वधाई मुख्यमंत्री मान अज वंडणगे नियुक्ति पत्र मिशन रोजगार तहत 400 नौजवानों नु मिलेगी नौकरी दोपहर 12:30 बजे चंडीगढ़ के म्यूनसिपल भवन च होवेगा समागम डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला दी गैंगस्टरां नु दो टूक कहा पुलिस नुकसान पहुंचा के बच जाओगे दिल चो कट दियो एक गल पुलिस देवेगी करारा जवाब एसजीपीसी दी बलवंत सिंह नौजवानों नु भुख हड़ताल ना करन दी अपील तामी बोले एसजीपीसी अपने तौर ते है यतनशील केंद्र साडे सबर दा ना लवे इम्तिहान चेस बंद राजवाणा नाल मुलाकात लई अकाली दल ने मंगी इजाजत एडीजीपी जेल नु चिट्ठी लिख के 5 दिसंबर तो पहला दा मंगया समा विक्रम मजीठिया ते विरसा सिंह मलटोहा करेंगे मुलाकात दिल्ली च आम आदमी पार्टी आज शुरू करेगी मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन लोका तो पुछेगी जे गिरफ्तारी हुई ता अस्तीफा देन या जेल तो चलाउण सरकार 20 दिसंबर तक लोका दी राय लवेगी पार्टी अज नहीं होगी पीआरटीसी ते पनबस दी हड़ताल 6 दिसंबर नु ट्रांसपोर्ट मंत्री दे नाल मीटिंग हुई ते मीटिंग ना होन तक 20 किलोमीटर स्कीम वालियां बसां ना चलाउण दा मिलिया भरोसा जलंधर च एक शाम पुलिस दे नाम गुलदस्ता 2023 जुटे पंजाबी फिल्म ते म्यूजिक इंडस्ट्री दे तमाम कलाकार सीएम मान बोले सानू मिलिया सल्यूट करन दा मौका सत श्रीकाल जी मैं हाँ सरबजोत कौर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के नाल दस दिए कि 2024 लोकसभा चोणा बेहद ही नजदीक ने इस तो पहला 2024 का सैमीफाइनल वेखन को मिले जिथे कि 5 सूबों का दिलचस्प एग्जिट पोल सामने है दस दिए कि मध्य प्रदेश राजस्थान च बीजेपी अगे है एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ च मुड़ कांग्रेस सरकार के आसार दिख रहे हैं तेलंगाना च भी कांग्रेस में वाधा है इस दस दिए कि 3 दिसंबर नूं आउणगे 5 सूबिआं दे नतीजे ते 5 सूबिआं च विधानसभा चोणां होणियां ने इस नूं लै के जो है 3 दिसंबर नूं यानी कि आउण वाले एतवार नूं नतीजे ऐलाने जाणगे उस तों पहले 2024 दा सैमीफाइनल वेखण नूं मिलिआ दस के 5 सूबिआं दा दिलचस्प एग्जिट पोल सामने आया एग्जिट पोल दे मुताबिक मध्य प्रदेश राजस्थान च बीजेपी अगे शो कर रहे इस दे नाल ही छत्तीसगढ़ च मुड़ कांग्रेस सरकार दे आसार ने कांग्रेस सरकार बनेगी इस विचाले एग्जिट पोल दे मुताबिक तेलंगाना च भी कांग्रेस नूं वाधा मिलिआ है ते 3 दिसंबर नूं 5 सूबिआं दे विधानसभा जो नतीजे ने ओह आण के 2024 लोकसभा चोणां बेहद ही नजदीक ने हर सियासी पार्टी अपना जोर लगा रही है कि 2024 च वधिया परफॉर्म किया जाए तो इस तो पहले 2024 का सैमीफाइनल वेखन मिलिया है टूडेज चाणक्य के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश 151 वोटर हासिल होणगियां कांग्रेस 74 वोटा नाल अगे रहेगी इस दे नाल दस दिए कि जो अदर्स ने उन्होंने 5 वोटा मिली मध्य प्रदेश 230 सीटा ने विधानसभा दिया इस दे विचाले दस दिए कि टूडेज चाणक्य के मुताबिक मध्य प्रदेश के तहत एग्जिट पोल दिखा रहे जन की बात च बीजेपी 100 तो लैके 123 वोटा मिल सकदियां ने इस दे विचाले दस दिए कि कांग्रेस 102 तो 125 ते अदर्स 5 सीटा मिल सकदियां ने ते जन की बात दस दिए कि बीजेपी 100 तो 123 सीटा मिल सकदियां ने कांग्रेस 102 तो 125 सीटा मिल सकदियां ने इस विचाले अदर्स 5 सीटा मिल सकदियां ने आ तुहानू दस रही है जन की बात दा जो एग्जिट पोल है इस दे नाल ही मैट्रिक्स दी गल करिए ते बीजेपी 118 तो 130 सीटा मिल सकदियां ने जे असी कांग्रेस की गल करिए 97 तो लैके 107 सीटा मिल सकदियां ने अदर्स की गल करिए अदर्स 5 सीटा मिल सकदियां ने आ मध्य प्रदेश के आंकड़े तुहानू दस रहे एग्जिट पोल के हिसाब नाल एग्जिस माई इंडिया के हिसाब नाल बीजेपी 140 तो 162 सीटा मिल सकदियां ने जे असी कांग्रेस की गल करिए कांग्रेस 66 तो लैके 90 जो ने सीटा मिल सकदियां ने अदर्स 3 सीटा मिल सकदियां ने आ मध्य प्रदेश की असी गल करें एग्जिस माई इंडिया के हिसाब नाल जे असी पोल ऑफ द पोल्स की गल करिए बीजेपी 130 सीटा हासिल हो सकदियां ने कांग्रेस की गल करिए कांग्रेस 97 सीटा हासिल हो सकदियां ने ते अदर्स की गल करिए 3 सीटा हासिल हो सकदियां ने हुण असी गल करांगे राजस्थान की राजस्थान च एग्जिस माई इंडिया के हिसाब नाल बीजेपी 80 तो 100 सीटा हासिल हो सकदियां ने जे असी बीजेपी की गल करिए बीजेपी राजस्थान च 80 तो 100 सीटा कांग्रेस 86 तो 106 सीटा ते अदर्स 9 तो 18
जो सीटा ने एग्जिट पोल च मिलिया ने ते ईटीजी की गल करिए ते बीजेपी नू 108 तो 128 सीटा कांग्रेस नू 56 तो 72 सीटा जे अदर्स की गल करिए ते अदर्स नू 13 तो 21 सीटा ने जो हासिल हो सकदियां ने असीं गल कर रहे हां राजस्थान दे एग्जिट पोल दियां ते सी वोटर की गल करिए ते बीजेपी नू सी वोटर दे हिसाब नाल 94 तो लैके जो ने 114 सीटा हासिल हो सकदियां ने कांग्रेस नू 71 तो लैके 91 सीटा हासिल हो सकदियां ने अदर्स की गल करिए ते अदर्स नू दस दिए कि 9 तो लैके 19 सीटा हासिल हो सकदियां असीं गल कर रहे हां राजस्थान पोल ऑफ द पोल्स की गल करिए पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक बीजेपी 106 सीटा मिलदिया नजर आ रही ने ते इस दे नाल ही जे कांग्रेस की गल करिए कांग्रेस 80 सीटा हासिल हो रही ने पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक अदर्स 13 सीटा हासिल हो रही ने हुण असीं गल करांगे छत्तीसगढ़ की जी एग्जिट माई इंडिया के हिसाब नाल बीजेपी 36 तो लैके 46 सीटा हासिल हो सकदियां ने कांग्रेस की गल करिए कांग्रेस एग्जिट माई इंडिया के हिसाब से 40 तो 50 सीटा हासिल हो सकती हैं अदर्स 1 तो लेके 5 सीटा हासिल हो सकती हैं हम अभी गल करेंगे टूडेज चाणक्य के हिसाब से बीजेपी 36 33 सीटा हासिल हो सकती हैं कांग्रेस 57 सीटा हासिल हो सकती हैं अदर्स की गल करिए अदर्स 1 तो लेके 5 सीटा टूडेज चाणक्य के हिसाब से हासिल अदर्स हो सकती हैं ईटीजी के मुताबिक बीजेपी 36 32 तो लैके 40 सीटा हासिल हो सकदियां ने कांग्रेस 48 तो लैके 56 सीटा हासिल हो सकदियां ने इस दे नाल ही अदर्स की गल करिए अदर्स 2 तो लैके 4 सीटा छत्तीसगढ़ च हासिल हो सकदियां ने सी वोटर के हिसाब नाल बीजेपी की असीं गल करांगे बीजेपी 36 तो लैके 48 सीटा हासिल हो सकदियां ने कांग्रेस 36 सी वोटर के हिसाब नाल 41 तो लैके 53 सीटा हासिल हो सकदियां ने अदर्स की गल करिए अदर्स सी वोटर के हिसाब नाल 0 तो लेके 4 सीटा हासिल हो सकते हैं गल कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक बीजेपी 36 38 सीटा हासिल हो सकती है कांग्रेस 50 सीटा हासिल हो सकती है अदर्स की गल करते अदर्स पोल ऑफ द पोल्स के हिसाब से 2 सीटा हासिल हो सकती है हुण असीं गल करांगे तेलंगाना की तेलंगाना पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक बीआरएस 44 सीटा हासिल हो सकती है कांग्रेस की गल करते कांग्रेस 63 सीटा तेलंगाना च हासिल हो सकते हैं ते बीजेपी 5 सीटा पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक हासिल हो सकती है हुण असीं गल करांगे मिजोरम की मिजोरम च MNF 17 सीटा हासिल हो सकते हैं ZPM 15 सीटा हासिल हो सकती ने असीं गल कर रहे हैं मिजोरम की पोल ऑफ द पोल्स के मुताबिक ते कांग्रेस 7 सीटा जो ने मिजोरम च हासिल हो सकती ने हुण गल करांगे झोने की झोने की सरकारी खरीद की म्याद वधा दी गई है पंजाब से दस के पंजाब 10-7 सितंबर तक झोने की सरकारी खरीद हुण हो पाएगी पंजाब सरकार की अपील से केंद्र ने आ तरीक च वादा किया है दस के पिछोती बिजाई करके अब जो पक्की हुई फसल सी लेट हो गई खड़ा करके कुछ इलाकों जो बिजाई सी पछड़ गई थी पंजाब सबको पता है कि जो काफ़ी हड़ आए थे उसके करके जो झोने की बिजाई सी पछड़ गई थी हुण तक पंजाब तो दस दिए कि 185 मीट्रिक टन झोने की खरीद हो चुकी झोने की सरकारी खरीद की म्याद वादा किया गया है दस दिए कि 7 दिसंबर तक झोने की खरीद को वधा दिता गया है पंजाब सरकार की अपील से केंद्र सरकार के वलों आ तरीक जो है वधाई गई है तो हुण झोने की सरकारी खरीद 7 दिसंबर तक हो पाएगी दस के पिछेती बिजाई करके आ जो फसल सी आ लेट पक्की सी पंजाब च हड़ आए थे जिस दे करके जो किसान सी झोने की फसल की बिजाई करन च लेट हो गए थे तो इसके विचाले हुण पंजाब सरकार दे वलों केंद्र नूं अपील की गई तो केंद्र ने अपील मान ली तो हुण झोने की जो खरीद है वह 7 दिसंबर तक पंजाब हो पाएगी जलंधर च एक शाम पुलिस के नाम रही दस के पंजाब सरकार ने गुलदस्ता 2023 प्रोग्राम करवाया PAP जलंधर च आ प्रोग्राम करवाया गया सभ्याचारक समागम च शामिल होए मुख्यमंत्री मान ते CM मान ने पंजाब पुलिस की निस्वार्थ सेवा की तारीफ की शलाघा की ड्यूटी दौरान शहीद होने वाले परिवार नु चेक भी दिते गए दस के एक्स ग्रेशिया ग्रांट दे चेक भी दिते जो भी आ जान बिन्नू ढिल्लों जी निर्मल ऋषि मैम वो सारे पहुंच चुके ने स्टेज ते मलकीत रौणी जी पाफटा दे साडे सत्कारयोग मैंबर प्लीज स्टेज ते आउण दी खेचल करन क्योंकि सर दा साथ देना बनदा है ते ओ बिन्नू ढिल्लों जी शमा रोशन कर रहे ने ताड़ियां प्लीज ताड़ियां ने जिहड़ियां ओ तुहाडियां ओ नहीं रुकणियां चाहीदियां क्योंकि ताड़ियां ही मैं तुहानूं पहलां भी दस्या
कि हर बंदे लई गुगू गिल जी साडे विचकार पहुंच रहे ने ताड़ियां तुसी देखो किन्ने समय तो ऐसे रंग दी दस्तार बन वाली वाले दिन सारे नु छुट्टी हुंदी है पुलिस दी ड्यूटी सख्त हुंदी है 15 अगस्त नु सारे नु छुट्टी हुंदी है पुलिस दी ड्यूटी सख्त हुंदी है 26 जनवरी नु सारे नु छुट्टी हुंदी है पुलिस दी ड्यूटी सख्त हुंदी है तो इन्हां दे परिवार भी चाहुंदे ने कि असीं भी कदे कोई इहो जिहे प्रोग्राम ते जाइए जिहड़ा साडे वास्ते होवे क्योंकि लेडीज़ दे विच बड़ा शौक हुंदा सूट पाउण दा कल पाउण दा नहीं फिर दिखाउण दा भी हुंदा सो अज बड़ा वधिया मौका है तुसीं 2-2.5 घंटे आपस च कितों कितों आए हो सारे पंजाब चों एक दूजे नाल गल्लां करो एक दूजे दीआं ड्यूटियां दीआं गल्लां करो अज दा दिन तुहाडे लई ऑफ डे है जदों पंजाब दे कहिंदे कहाउंदे मन्ने परमन्ने कलाकार अपने अपने फन दे माहर जां तां स्टेज ते परफॉर्म करनगे जां तुहाडे विच बैठे होणगे जिस किस्म दा समाज दे विच गलत अंसर आए हुए ने हर रोज़ कितना किते पुलिस नाल बाह पैंदा किते सट्टां बजदियां ने किते शहीदियां हो जांदियां ने किते इनकाउंटर हुंदे ने ओह सिर्फ इस लई हुंदे ने कि 80,000 दी नफरी है मैं गृह मंत्री भी हाँ मेरे अंडर आउंदी है पुलिस 80,000 दी नफरी है 3.5 करोड़ लोगों नू चैन दी नींद सवाउंदी है 80,000 दी नफरी 3.5 करोड़ लोगों नू चैन दी नींद तां सवाउंदी है क्योंकि वह बाहर खड़ते ने वह सड़कां ते खड़ते ने वह नेरियां नहीं देखते वह धुंदा धुप्पा नहीं देखते पर हाँ इल्जाम लाना बहुत सौखा है हर गल ते पुलिस ते इल्जाम ला दो किसी की कोई आप सस नूं दी लड़ाई भी होगी कहिंदे पुलिस की कर रही सी नहीं ये रिबोट तो है नहीं ये कंप्यूटर तो है नहीं पर जदों दा मैं गृह मंत्री बनिया मैं सोचा ठीक है ये रिबोट नहीं है ये कंप्यूटर नहीं है पर ड्यूटी नूं ड्यूटी समझण वाले ने क्यों ना इन्हां नूं रिबोट ते कंप्यूटर दे दिए जे इन्हां नूं रिबोट ते कंप्यूटर दे दिए नवीं गड्डियां दे दिए लेटैसट इक्यूपमेंट दे दिए सारा अपडेट कर दिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लिया के इन्हां नूं बिल्कुल अपडेट कर दिए तां इह रिबोट ते कंप्यूटरां दी शक्ति नूं दुगना कर सकदे ने इन्नी क सानूं इस नफरी ते यकीन है